सभी को नमस्कार दोस्तों। एलियन की फिल्म और एक आ चुकी है। वैसे एलियन की फिल्म बनाने में हॉलीवुड काफ़ी आगे है दोस्तों, इस मामले में बॉलीवुड काफ़ी पीछे है, क्योंकि बॉलीवुड एलियंस को लेकर इंटरेस्ट नहीं है। बहुत ही कम फिल्में आई हैं, कोई मिल गया फिल्म आई थी, उसके बाद बॉलीवुड में ऐसी एलियंस को लेकर कोई फिल्म नहीं आई है और हॉलीवुड इन सबसे काफ़ी आगे, वो आए दिन मतलब एलियंस की फिल्में बनाते रहता है। और अभी इसी बीच आई है एलियन रोमुल्स फिल्म आई है, और ये अब कितना मतलब कैसा है ये तो देखने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल इसका टीजर रिलीज हो गया, तो चलती है बात करते हैं टीजर के बारे में कैसा है इसका टीजर। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपका सपोर्ट हमें मिलता रहे और हम आपको ऐसे नए नए फिल्मों के बारे में अपडेट करते रहे दोस्तों। अब एलियन रोमुल्स फिल्म का टीजर रिलीज कर दिया गया है दोस्तों। 1979 में रिडल कॉस्ट की एलियन की याद आपको दिलाएगी, और इसके जो निर्देशक होने वाले हैं फेडल अल्वारेज, इसके निर्देशक होने वाले, उन्होंने कहा है कि उनकी फ्रेंचाइजी एलियंस फ्रेंचाइजी की जितने भी फिल्म है उन सब से ये फिल्म काफ़ी अलग होने वाली है। अब कितना अलग होने वाली ये तो फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चलेगी। फिलहाल टीजर देखकर तो काफ़ी खतरनाक लगा है दोस्तों। अब टीजर की शुरुआत में ही कुछ जो एलियन अंतरिक्षयान होता है उसमें क्रूज मेंबर फंसे होते हैं, वो काफ़ी डरे होते हैं और उनके पीछे एलियंस पड़ा रहता है। टीजर की शुरुआत हुई है और उनका अंतरिक्षयान कभी इधर कभी उधर जा रहा है और पीछे एलियंस पड़े हुए हैं, तो काफ़ी डार्कनेस में इसकी टीजर दिखाया गया है और एलियंस को दिखाया गया है कुछ डायनासोर टाइप, लेकिन एलियंस को जो यहाँ पर बनाया गया है काफ़ी खतरनाक देखकर लग रहा है। तो फिल्म अब कितनी खतरनाक होती है ये तो रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल अब अगस्त में ये फिल्म रिलीज होने वाली है, अब देखते हैं क्या कमाल ये फिल्म करने वाली है। तब तक के लिए नमस्कार।